down from across the world. Damn, what a hell of a day. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. अभी मैं बात करने वाला हूं ईवी के बारे में। अभी मैं देख रहा था कि बसों का काफी ट्रेंड चेंज हो गया। पहले एक बस चलती थी जो एकदम बड़ी होती थी, कांच बढ़िया खुले होते थे, गेट भी ऐसा होता था बिल्कुल एक पैर मारो और बाहर, ठीक है, कोई सुविधा नहीं होती थी, आवाज ही बहुत मस्त आती थी, गजब की सुनने मजा आता था, बढ़िया धुआं भी निकलता था, तो बढ़िया मुंह भी आपका काला हो जाए, धुआं इतना कि मुंह काला हो जाए। तो जैसे मैं घूम रहा था कल, तो मैंने देखा कि इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें स्टॉक के प्राइस को या स्टॉक की कंपनी को इन चीजों में ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए। जैसे मैं देख रहा था कि इलेक्ट्रिक बस का जमाना आ गया, इलेक्ट्रिक बस बढ़िया घूम रही है, कोई साउंड पॉल्यूशन नहीं, कोई वैसा पॉल्यूशन नहीं, बढ़िया कांच बिल्कुल पैक, और स्विच मतलब बटन दबाएगा ड्राइवर तो गेट खुल जाएगा, बढ़िया एलईडी लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, बाहर भी 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है जो चारों तरफ को वॉच कर रहा है ड्राइवर, बढ़िया ड्राइवर टिकट काट रहा है तो पॉस मशीन से लेके टिकट काट रहा है, उसमें से स्लिप निकल रही है, टिकट निकल रहा है उसमें से, और बेल एंड डैश है वो, तो ये सब चीजें दिखा रही कि मतलब इलेक्ट्रिक बस का टाइम आ गया। तो हमें इस तरह से चीजों को चुनना चाहिए, स्टॉक को चुनना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक बस का टाइम आ गया तो हमें इलेक्ट्रिक बस जो बना रही है हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। जो ऑटो एंसिलरीज बनाती है या ईवी से रिलेटेड एंसिलरीज जो बना रही है हमें उस तरह की कंपनियों को खोजना चाहिए, तो हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट लंबे समय तक हम सोचे कि हमने अभी खरीद लिया और कल बढ़ जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड आएगा, अभी ट्रेंड धीरे धीरे चल रहा है। अभी आप देखेंगे 7-2 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, अभी 2 साल में कुछ और ट्रेंड आ गया। पहले हमारे यहाँ सनरूफ की गाड़ियां नहीं चलती थी, अभी भी हालांकि यूज नहीं है लेकिन लोग खरीद रहे हैं, अब उनको सनरूफ की गाड़ी चाहिए। तो ऐसे ही अब हर कोई धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों की तरफ जा रहा है, उसका रुझान हो रहा है आगे चल के, ठीक है। अभी स्टेशन से चार्जिंग स्टेशन नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, कंपनियां उसमें भी आगे आ रही हैं, अपनी भागीदारी बना रही है उसमें कि चलो भाई स्टेशन क्यों ना सेटअप किए जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ऐसे चीजों को हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो आने वाले समय ईवी का है तो इस तरह की कंपनियों को खोजो जो कंपनी काम कर रही हो, प्राइस उनके सस्ते हो, पी रेशियो कम हो, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो और एक व्यू लेके चलो कर 5-10 साल का, तो प्रॉफिट 100% मिलता ही है। जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि अशोक लीलैंड जो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है वो नोएडा में एक प्लांट लगा रही है, करीब स्टार्टिंग में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और आने वाले समय में वो बता रहे हैं कि हम 1-2 साल में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और करीब फिर हम 5,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करेंगे 1-2 साल में। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहा है और हम भी पसंद कर रहे हैं। जैसे मैं कल ये गाड़ी में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया कांच बनते, कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, वेल सीट थी, बैठने के लिए आरामदायक, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा, वो जीपीएस से पूरा वो भी ट्रैक कर रहा, वो भी देख रहा है गाड़ी में, ड्राइवर हर चीज को उसी जीपीएस से देख रहा है, ठीक है, और वीडियो जो क्या सीसीटीवी उसका सॉरी मॉनिटर है छोटा सा, उसमें हर चीज देख रहा है, और कोई पॉल्यूशन नहीं है, बढ़िया एसी चल रहा है गाड़ी में, बैठे हैं आरामदायक लग रहा था। जरूरत नहीं है कि नहीं हम अपनी पर्सनल व्हीकल लेके कहीं पर जाएं और सस्ते में निपट जाते हैं, कम पैसे में
जहां अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, जहां आपका पता पड़े आप 100-200 रुपए में निपटेंगे, वहां आप 800 रुपए में निपटेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक कार्स भी अब आ रही है, धीरे बढ़ी तो रही है ये, तो ये आने वाला टाइम इनका ही है, तो इनसे जुड़े रिलेटेड स्टॉक्स को अभी खरीद लो, अभी टाइम है। अगर मार्केट गिरे कभी तो पहले इन्हीं को खरीदो, क्योंकि अब अगला टाइम मुझे लग रहा है इन्हीं का आएगा। जैसे अभी पावर का आया, तो एक पावर में पूरा हर स्टॉक बहुत बुलिश है, तो ये टाइम नहीं है खरीदने का, ये टाइम बेचने का है। और एक्चुअली गलती क्या करते हैं कि जब जो चीज ऊपर होती है हमें वो अच्छी लगती है, जो नीचे होती है वो बुरी लगती है, क्योंकि हमें चाहिए तुरंत रिटर्न, तुरंत रिटर्न नहीं मिलते हैं, रिटर्न्स के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। हम एफडी को इनमें बना लेते हैं 5 साल 8 साल 10 साल के लिए, उसको पूछने नहीं जाते हैं उनके भाई साहब एफडी का रेट कितना हो गया, जमीन खरीद लेंगे तो उसका अगर रेट पूछे जाएंगे कितना हो गया, लेकिन हाँ ये अगर चवन्नी गिर गया, अरे यार ये तो मेरा चवन्नी गिर गया, मेरे तो 500 शेयर खरीद देते और मेरा तो 100-150 रुपए का लॉस हो गया। तो लोग ऐसी बातें करते हैं, इन सब चीजों को मत देखो, आपने एक इन्वेस्ट कर दिया बैठो 3 साल 5 साल का वेट करो, तब रिटर्न मिलते हैं। हालांकि मेरी किसी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ बस एनालिसिस है मेरा, ये मेरी रिसर्च है जो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।